सोशल मीडिया का दौर है और ये दौर आज के युवाओं को कैसे आपे से बाहर किए जा रहा है कहना मुश्किल नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर लोग किस कदर अश्लीलता में खोते जा रहे हैं, इसका एक शर्मनाक वाकया इंदौर से सामने आया, जहां पर एक युवती ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेहद आपत्तिजनक रील बनाई है। इंदौर की शान छप्पन दुकान और मेघदूत चौपाटी के इस वीडियो को जिसने भी देखा शर्म से आंखें झुका ली। आप देख सकते हैं कि युवती रील बनाने के नाम पर अश्लीलता की हदें पार करती नजर आ रही है। छप्पन दुकान पर हर आने जाने वाले की नजर शर्म के मारे झुकती हुई नजर आ रही है। एक युवक युवती बाइक पर जा रहे थे तो बाइक पर पीछे बैठी युवती ने युवक की आंखों पर हाथ रख दिए ताकि रील बनाने वाली युवती की अर्धनग्न हालत ना देखे, लेकिन युवती तो जैसे शर्म और हया बेच बैठी है और उसे जमाने की कोई परवाह नहीं। लोगों की भीड़ में अर्धनग्न होकर युवती अपनी निम्न मानसिकता का भी परिचय दे रही है। बेशर्मी की हद पार करती युवती जहां से भी गुजर रही है, सामने और आसपास वाले लोग खुद नजरें झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन युवती को तो कोई लाज ही नहीं। वो मुस्कुराकर ऐसे चल रही है जैसे पता नहीं कौन सा मैदान फतेह कर लिया हो। लोग बच्चों और परिवार के साथ छप्पन दुकान और चौपाटी पर पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही नजर इस युवती पर पड़ रही है लोग असहज महसूस कर रहे हैं। लिहाजा रील बनाने के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और ये मोहतरमा तो लाज बिल्कुल भूल चुकी हैं। ये भूल चुकी हैं कि वो एक सार्वजनिक जगह पर एक ऐसा काम कर रही हैं जो किसी भी मायने से सही नहीं है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन को ऐसी पुहड़ता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि दूसरे ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचें। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी, इंदौर।